कोई भी नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर है उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो ऐसा होता है कि जो कंपनियां हैं वो 1 टन और 1.5 टन उनको ज़्यादातर डिपेंडेंट करती हैं इनडोर के साथ, और इससे जो बड़े यूनिट होते हैं उनमें सेफ्टी और प्रिकॉशंस ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनमें ज़्यादातर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन 1 टन और 1.5 टन की अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है। उसकी वजह यह होती है कि बाज़ दफ़ा यूनिट जो है वो 24 आवर्स जो है वो काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो इनडोर की रिले है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। और देखें मेरे पास ये यूनिट आया हुआ है, इस सर्किट में ऐसा है कि ये भी तकरीबन 24 आवर्स जो है वो काम कर रहा है, जिसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसकी जो ये रिले है ये देखें ये मुकम्मल तौर पे टूट चुकी है, और इसके अलावा अगर हम इसके बैक साइड से इसके जो सोल्डरिंग ट्रेसेस हैं उनको देखें तो ये देखें ये इनपुट आउटपुट और इसका यहाँ तक के इतनी गर्म हुई है कि जो डीसी सप्लाई है 12 वोल्ट जो कि रिले को एनर्जाइज करते हैं वो तक जो है वो गर्म होके तो क्रैक हो चुके हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है इसमें। अब इस सर्किट में तो हम क्या करेंगे कि नई रिले लगा देंगे और नई सोल्डरिंग कर देंगे, लेकिन इसी तरह से हमारे पास ये एक और यूनिट आया है जो कि मिट्सुबिशी का यूनिट है, तो इसमें कस्टमर ने ये डिमांड की है कि ये यूनिट चूंकि 24 आवर्स काम करने वाला है तो इसको इस तरह से कर दें ताकि जो है वो सिस्टम जो है वो ज्यादा देर तक काम करे और इसमें कोई मसला ना आए, क्योंकि ये अक्सर ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा रिले काम करती है और बाज़ दफ़ा रिले काम नहीं करती है। तो अब हम इसमें ये कंट्रैक्टर जो है वो इंस्टॉल करेंगे, तो सबसे पहले जो काम करना होता है वो इसकी इंस्टॉलेशन है। आपने एक प्रॉपर स्पेस जो है वो वहाँ पे ढूंढनी है, आपने क्या यूनिट को अपने चारों तरफ देखना है और प्रॉपर स्पेस ढूंढ के तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को इंस्टॉल करना है ताकि बाकी का जो यूनिट है उसकी वजह से डिस्टर्ब ना हो। अब हम इसके कनेक्शन जो हैं उनको स्टार्ट करेंगे कि हमने इसके जो कनेक्शन है वो कैसे करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे इसके मेन कनेक्टर को। तो मेन कनेक्टर में यहाँ पर L और यहाँ पे N, यहाँ पे मेन इलेक्ट्रिक जो है वो इस टर्मिनल पे आ जाती है और इसके बाद ये देखें 1, 2, 3 तो यहाँ पे जो इसकी पोजिशन है वो मिट गई हुई है, लेकिन यहाँ पर मुझे पता है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो जो 1 होता है ये इसका लाइन होती है, ये न्यूट्रल होता है, और यहाँ पर सिग्नल जो इंडोर से जब कंप्रेसर वगैरह स्टार्ट होता है तो उसके लिए यहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। अब चूंकि ये जापानी सिस्टम है तो जापानीज़ जो हैं वो नॉर्मली जो वाइट वायर होती है उसके उसको यूज़ करते हैं न्यूट्रल के लिए, और जो ब्लैक वायर होती है उसको यूज़ करते हैं लाइन के लिए, लेकिन यहाँ पर ये कनेक्शन जो है वो उल्टे पुल्टे हुए हैं। देखें ये सब कुछ उल्टा है क्योंकि एल पे वाइट वायर यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब है कि किसी ने यहाँ पे कनेक्शंस में जो है वो छेड़छाड़ की हुई है, तो इसलिए हम इन चीज़ों को भी सही करेंगे। और ये 2 पे जो है वो यहाँ पर लाइन लगी हुई है जबकि ये सब उल्टा पुल्टा है, तो ये सब चीज़ें हम ठीक करके तो उसके बाद जो है इसके कनेक्शन करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर इस कनेक्टर को ही खोल लेते हैं। ऐसे तो ये काफ़ी पुराने और गंदे हैं, लेकिन क्योंकि कंपनी के हिसाब से नहीं है तो इसलिए ये भी एक डाउटफुल काम है कि हो सकता है किसी ने यहाँ पे काम करके तो फिर दोबारा लगाए हों। तो हम इन सब को यहाँ पे इसे खोल लेंगे। बिल्कुल ये खुला हो सकता है जी। अब ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखें यहाँ पर एल में था, एल में वाइट लगा हुआ है जबकि वाइट 2 नंबर पर है, तो ये किसी ने चेंज किए हुए हैं, ये कन्फर्म बात हो गई है कि ये किसी ने चेंज किए हुए हैं, इस तरफ से लाइन और न्यूट्रल से चेंज हुए हैं। तो अब हम इसको चेंज कर देंगे, तो हम इनको थोड़ा सा टाइट करेंगे, टाइट करके फिर हम इनको लगाएंगे। तो इसको हम वाइट को हम इधर लगा देंगे और ब्लैक को 1 पे लगा देंगे, तो ये हमारे कनेक्शन अब बिल्कुल ओके हो गए हैं। अच्छा, ये इस कनेक्शन को भी हम निकाल देंगे। अभी हमारे पास जम्पर्स जो हैं वो खाली रह गए हैं। अब यहाँ पे हमने चूँकि इस कनेक्टर को इंस्टॉल कर दिया हुआ है सर, अब वायरिंग करनी है, तो ये जितनी भी वायर्स हैं हमने यहाँ से आउट किए हैं तो इनको हम पहले कनेक्टर में लगा देंगे। तो इसको ऊपर की तरफ भी लगाया जा सकता है और नीचे की तरफ भी लगाया जा सकता है। तो इस कनेक्टर को मैं दोबारा खोल लेता हूँ ताकि आसानी से जो वीडियो में है हम अच्छे से कैप्चर कर सकें इसको। तो जितनी भी वायर्स मैंने निकाली हैं कनेक्टर से, तो वो आपको पता ही होगा कि 2 मैंने ब्लू कलर की वायर निकाली हैं,
तो एक कंप्रेसर की वायर है, एक फैन की वायर है। इसी तरह से दो मैंने वाइट निकाली हैं, तो एक फैन की वायर है और एक जो है वो न्यूट्रल है जो कि जा रही है कैपेसिटर में भी और आगे कंप्रेसर में भी। तो इन तमाम वायर्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा लेंगे। तो कनेक्टर के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे है अंदर से। तो यहाँ से हम इसको खोल लेते हैं और कस्टमर ने हमें सेकेंड हैंड कनेक्टर भेजा है, उन्होंने खुद अपने पास से भेजा है कि इसी को लगाएं। तो ये जब हम इसको खोलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये देखें ये पिनें लगी हुई हैं। तो इसको हम जब प्रेस करते हैं दोनों को देखें, दोनों को प्रेस करते हैं तो दोनों पिनें नीचे जा रही हैं, ये देखें। तो इस तरफ को चूज़ कर लें या इस तरफ को चूज़ कर लें, इनपुट के लिए या आउटपुट के लिए, दोनों को, तो दोनों एक ही चीज़ हैं, इसमें ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब क्या करना है कि ये जो ब्लू वायर्स हैं दोनों, फ़ैन की और कंप्रेसर की, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये फ़ैन की तार हमने लगा दी और साथ में या नीचे कहीं पर भी लगा सकते हैं आप। तो ये कंप्रेसर की वायर को यहाँ पे लगा देंगे। तो ये टाइट होना चाहिए, अगर लूज़ होंगे तो फिर मसला हो सकता है। तो दोनों ये टाइट हैं। अब इसी तरह से ये वाइट वायर को भी हम यहाँ पे लगा देंगे। नीचे हम कंप्रेसर की वायर को लगा देते हैं और ऊपर फ़ैन की वायर को लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो कनेक्शंस हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब जो मज़ीद हमने कनेक्शन करने हैं तो उनके लिए हमने कुछ वायर्स को रेडी करने हैं। तो इस वक्त ये देख सकते हैं कि मेरे पास तीन वायर्स हैं, तो एक ब्लू कलर में और दो जो हैं वो ब्राउन कलर में। तो सबसे पहले इनमें हमने क्या करना है कि साइज़ वहाँ पे आपने ले लेना है, क्योंकि मैंने अपना साइज़ ले लिया हुआ है कि लेंथ जो है वो इनकी बराबर है कि नहीं है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी, अगर आपने छोटी वायर बना ली तो फिर आपको मसला होगा। तो मैंने अपने काम के हिसाब से मैंने इनको लेंथ को चेक कर लिया हुआ है। सिर्फ अब क्या करना है हमने कि इनके ऊपर हमने थिमल्स लगाने हैं। तो अब मैं इसको प्रेस कर दूँगा तो ये हमारा जो कनेक्शन है वो प्रॉपरली हो गया। अब ये जो तीनों वायर हमने रेडी की थी तो इनको हम यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। तो सबसे पहले जो कनेक्शन होगा वो हम ब्राउन वायर को कर लेते हैं। तो ब्राउन वायर को हम लगा देंगे ब्लू के साथ, क्योंकि ये यहाँ पर न्यूट्रल है, सॉरी लाइन है, तो इसके साथ हम लगा देंगे। ये हमारा कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जो है वो ब्लू वायर है तो ब्लू के साथ हम लगा देंगे वाइट को, ये हमारा न्यूट्रल है तो यहाँ पर लगा देते हैं। अब तीसरी ब्राउन वायर को हम लगाएंगे, तो ये देखें थोड़ी सी पतली वायर मैंने बनाई है, ठीक है। तो ये सिग्नल वायर होगी तो यहाँ पर हम लगाएंगे A2 पर, तो A2 पे हम लगा देते हैं इसको। ये यहाँ पे कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर एक और कनेक्शन रहता है, उसके लिए हम दोबारा से छोटी वायर बना लेते हैं, तो फिर दोबारा आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए। अब मैंने एक और तार जो है वो मैंने बना ली है। अब इसमें जो हमारे पास A1 का जो ऑप्शन है या कनेक्टर है वहाँ पे हम एक इसके थिमल को लगा देंगे। अब यही जो थिमल है इसका दूसरी साइड हमने इसके न्यूट्रल के साथ लगा देनी है, जो मेन न्यूट्रल जो इनपुट है उसके साथ लगाना है। तो ये कनेक्टर के साथ जो हमारे कनेक्शन हैं वो कम्प्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर अब काम ख़त्म हो गया है। अब बारी आ जाती है इसके मेन टर्मिनल्स के साथ कि हमने इनको कनेक्शंस को अब मेन टर्मिनल के साथ कैसे जोड़ना है। तो ये जो हमने सप्लाई दी है, इनपुट देना है, तो इसके लिए ये देखें ये हमारा मेन लाइन है और ये हमारा मेन न्यूट्रल है। तो कहीं से भी आप दे सकते हैं, इस तरफ से भी दे सकते हैं, इस तरफ से भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, या जिनकी जिस तरह चाहें कर सकते हैं। तो मैं यहीं से दे दूँगा और ये जो इसकी ब्राउन है इसको मैं लाइन के साथ लगा दूंगा। लाइन न्यूट्रल कंप्लीट हो गया। अब जो है वो ये जो वायर इसके साथ A2 के साथ हमने लगाई थी, अब इसको लगाना है। तो इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये तीन नंबर जो कनेक्शन है इसके ऊपर हम इसको लगा देंगे। अब यूँ हमारे जो कनेक्शंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पर मेन लाइन और न्यूट्रल लग जाएगा, और जो हमारा मेन लाइन न्यूट्रल यानी कि न्यूट्रल और फेज़ है वो आके यहाँ पे स्टैंड कर जाएगा, जबकि इसके A1 पे भी न्यूट्रल जो है वो स्टैंड कर जाएगा। अब क्या होगा कि जब इंडोर से हमें सिग्नल आएगा तीन नंबर पे, तो क्या होगा कि ये जो रिले है वो ऑन हो जाएगी, और इसके रिले के ऑन होने से अंदर जो ये चारों पॉइंट हैं आपस में जुड़ जाएंगे, और यूँ ये पूरा सिस्टम जो ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ था वो काम करना शुरू कर देगा। अब हम इसको कनेक्शन कर लेते हैं, और ये कनेक्शन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्टली इलेक्ट्रिक लगा रहा हूँ, इंडोर के साथ अभी अटैच नहीं है। सिर्फ आपको मैं यहाँ पे चेक करवाऊँगा कि ये हमने इसने काम कैसे करना है, फंक्शन कैसे करना है। तो यहाँ पर हम लाइन लगा देंगे,
अब इलेक्ट्रिक लगा देंगे हम इसको, अब इलेक्ट्रिक ऑन कर दें। अब इलेक्ट्रिक हमने ऑन की, इसके स्विच को भी ऑन कर दें। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी जो इलेक्ट्रिक है यहाँ पे मौजूद है। तो देखें यहाँ पे मेन पे पहले चेक कर लेंगे, ये देखें इसकी मेन लाइन पे मैं चेक करता हूँ। तो इस वक्त हमारे पास 230 वोल्ट आ रहे हैं, यही 230 वोल्ट दूसरी साइड पे भी स्टैंड कर रहे होंगे, तो दूसरी साइड पे भी हैं। इसी तरह से ये देखें कनेक्टर, तो इस कनेक्टर को भी चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं चेक करता हूँ, ये देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 230 वोल्ट जो है वो स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो सिस्टम है या हमारा जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, एक दफ़ा इलेक्ट्रिक को बंद कर देंगे दोबारा। इलेक्ट्रिक मैंने बंद की, अब एक वायर, ये देखें ये एक वायर लिए, ये एक्स्ट्रा काम है, ये इनके इसके साथ नहीं है, लेकिन मैं अभी टेम्परेली समझाने के लिए ये जो है इसको लगा रहा हूँ। तो इसको मैं क्या करता हूँ, लाइन के साथ जोड़ देता हूँ। अब ये लाइन के साथ इसको मैंने जोड़ दिया है। अब इसको हम दोबारा इलेक्ट्रिक दे देते हैं। अब इसमें दोबारा से इलेक्ट्रिक आ चुकी है। अब क्या होगा कि ये जो इसकी जो सिग्नल वायर थी, ये जो ब्राउन वायर है, इसके साथ हम इसको अटैच करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखें फैन भी स्टार्ट हो गया और कंप्रेसर भी स्टार्ट हो गया। तो हम इसको बंद कर देंगे क्योंकि इस वक्त इसमें गैस भी मौजूद है और ये सारा जो सिस्टम है वो गैस से लोडेड है, इसलिए इसको हम ज़्यादा देर के लिए नहीं चलाएंगे। तो ये सिर्फ टेस्ट पॉइंट था इसका, तो हमने इसको टेस्ट कर लिया है, तो ये प्रॉपरली काम कर रहा है। तो अब क्या करेंगे कि इसको हम इंडोर के साथ अटैच कर देंगे, तो ये बिल्कुल प्रॉपरली काम करेगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।